सवाई माधोपुर शहर में आज रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में राम भक्तों द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 मोटरसाइकिलों सहित अन्य वाहन भी शामिल हुए। रैली कलेक्टर के सामने इंदिरा मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंची। इस दौरान जगह जगह राम भक्तों के भव्य स्वागत किए गए। साथ ही आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल कायम करते हुए रैली पर फूल बरसाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता का परिचय दिया। रामनवमी के मौके पर सवाई माधोपुर में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा रैली का आयोजन किया। मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों हिंदू भक्त हाथों में भगवा ध्वज लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए निकले। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। इस रैली में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक दिया कुमारी, यूआईटी चेयरमैन जगदीश अग्रवाल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल हुए। शहर राजबाग में श्री राम भगवान की आरती के साथ रैली का समापन हुआ। इस दौरान सांसद और विधायक दोनों ने रैली में सजाई गई झांकियों की आरती उतारकर रैली का समापन किया।